कुछ नहीं, कैसा रहा तुम्हारा एक्सपीरियंस? बहुत ऑसम। आवाज नहीं आ रही होगी तो जोर से। बहुत ऑसम, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, पता ही नहीं चला कब एयरलिफ्ट हुए कब लैंड हुए, बहुत स्मूथ था। हाँ, गाइड भी सही था, बहुत कुछ बता रहा था रास्ते रास्ते में, सब कुछ बता रहा था और बिल्कुल पता नहीं लगा, मतलब उससे ज्यादा तो प्लेन में जट के आते हैं, इसमें तो कुछ भी नहीं पता। एकदम स्मूथ लिफ्ट ऑफ, स्मूथ लैंडिंग, कुछ नहीं हो रहा था। कैसा लगा बर्थडे सरप्राइज? वाज गुड, टू गुड, इट वाज वर्थ एवरी पेनी, इट वाज वर्थ द लाफ, इट वाज वर्थ द मनी, आई कैन से थैंक यू। ये मिस्टर कुमार के बहुत लोगों ने बताया, ये बहुत फेमस है यहाँ का। क्या बहुत अच्छा होता है यहाँ के, मतलब बेकरी आइटम्स बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा, और साथ में ये मिशलिन स्टार रेस्टोरेंट है शॉन का ही। ये ओके, ये वही वाला है, क्या नाम था, लॉन्ड्री, फ्रेंच लॉन्ड्री इसके आगे है, फ्रेंच लॉन्ड्री दिखाएंगे वॉक करते करते। दिस इज बुशॉन बेकरी, ठीक है, छोटी सी बेकरी है बट इसकी लाइन लगती है 1 किलोमीटर की। हाँ, अभी सुबह सुबह का टाइम है तो अभी लोग आए नहीं है, अभी गए हैं। ओके, सिर्फ यहाँ बेकरी आइटम्स मिलते हैं। हाँ, ओके ओके, नाइस। सो वी आर हियर एट वन ऑफ द फेमस बेकरी शॉप ऑफ नपा। लेमन टार्ट मैक्रून्स, ये लेना है, पिस्ताचियो छोटे वाले। मिस्टर कुमार, आपने बुशॉन बेकरी से क्या क्या लिया है? ये क्या है? ये चीज रोल है जो मैं थोड़ा सा बाइट कर लिया है। ओके ओके, और इसमें क्या है? खट्टा सा टेस्ट है। ओके, बहुत टाइप की चीज होती है ना। हाँ, खट्टा खट्टा तो गर्म कर देता शायद और अच्छा लगता। हाँ, ये गर्म करके नहीं दिए। अच्छा, मैक्रून से। ओके, तो इसमें मेरे पास दिस इज सी सॉल्ट एंड कैरमल एंड दिस इज Pistachio. Nice. ये वैष्णो जी मैकरून खाने जा रही हैं फर्स्ट टाइम। ये वेज होता है ना? हाँ, अंडा होगा बस। कोई अच्छा है, नाइस। ऊपर सॉफ्ट वेफर टाइप के बिस्किट हैं। हाँ, और बीच में स्वीट है, कैर सी सॉल्ट कैरमल। ये सी सॉल्ट कैरमल फ्लेवर है, दूसरा वाला पिस्टाचियो फ्लेवर है। अच्छा, से इट इज डेली फ्रेश बनता है यहीं पे। तब ये लोग स्ट्रॉल करते करते आ गए यहाँ पे, ये आपको सामने रेस्टोरेंट दिख रहा होगा फ्रेंच लॉन्ड्री। ये एक 5-स्टार रेस्टोरेंट है, और ऐसा कोई नॉर्मल 5-स्टार रेस्टोरेंट नहीं है, अमेरिकन जितने 5-स्टार रेस्टोरेंट है ना उसमें भी इसको बेस्ट माना जाता है। बोला जाता है कि अगर आपको 5-स्टार एक्सपीरियंस करना है तो यू शुड डेफिनेटली कम हियर। हम तो यहाँ नहीं जा रहे हैं, ये हमारे बजट के बाहर है। इसका आई थिंक पर प्लेट कितना, $400-500 होता है पर पर्सन एक बार का, तो 40,000 रुपये की प्लेट तो नहीं खा सकते। पता नहीं, हो सकता हमें पसंद ही ना आए, वो ले आए मीडियम फिक्स मेन्यू, हाँ मीडियम रेयर बीफ ले आए, कुछ ले आए, हमारे खाने का ही ना हो, हिसाब से सर्व नहीं करेंगे। इनका वो फिक्स मेन्यू है और ये वही इनका मेन्यू भी नहीं, प्लेट सर्विस होती है ना, ये वही डिशेस सर्व, तो इनका कोर्स फिक्स रहता है कि आज हम लोग ये सर्व कर रहे हैं, ये 6 चीज सर्व करने वाले, ये वही सर्व करेंगे बस। और इस रेस्टोरेंट की और खासियत है, इसका खेत इसके जस्ट सामने है यहाँ पे, तो अंदर जो कुछ भी यूज़ होता है ये फ्रेश यहीं से तोड़ के ले जाते हैं और फिर इसको कुक करते हैं। मे बी दैट्स अनदर रीज़न वाई ये रेस्टोरेंट इतना अच्छा है, क्योंकि सब कुछ एकदम फ्रेश फ्रॉम फार्म टू टेबल है। कि हम लोग पहुंच चुके हैं लेक बेरियसा, लेक बेरियसा लेक आगे थी 5 मिनट और, पर लेक दिख रही थी तो गाड़ी रोक दी गई है और लोग लेक की खोज करने जा रहे हैं। मतलब दिख रहा है यहाँ लेक नहीं होती है, यहाँ लेका होता है क्योंकि वो काफी बड़ा होता है। मुझे ठंड लग रही है। हाँ, ये तो ट्रेल जैसा, ट्रेल पे हम बिल्कुल नहीं जाएंगे, बिल्कुल ट्रेल पे तो हम जा ही नहीं सकते, मुझे बच्चा ही समझते हैं। मतलब देख लो मेरे बर्थडे के लिए क्या लेके, कैंडीज, लिटरली कैंडीज।
तो हम लोग पिकनिक करने आए ना, पिकनिक करने चाहिए रहता है। और इसमें पराठे, चिप्स और फ्रूट्स हैं। और ये है वो लेक, यहाँ से बहुत छोटा पॉइंट आ रहा है, मतलब जिस पॉइंट पे रुके हैं, बट एक्चुअली ये लेक काफी बड़ी है, बहुत दूर से हम लोग को दिख रही थी। मतलब और जिस पॉइंट आपको रिवर लगेगी, जिस पॉइंट पे हमें रुकना था वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और यहाँ पे हर जगह ऐसे बेंचेस वगैरह लगी रहती है, तो आराम से पिकनिक कर सकते हैं। और हम लोग मिड वीक में आए हैं ना, तो बिल्कुल खाली है, हर जगह ऐसे बेंचेस लगी रहती हैं। चलो थोड़ा लेक के पास जाते हैं, एंजॉय करते हैं। बहुत खोजने के बाद फाइनली हमें पिकनिक स्पॉट मिल गया। गूगल मैप तो मैं गोल गोल घुमा रहा था, वो स्पॉट पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, गूगल मैप को पता नहीं है, तो घुमा घुमा के मैं वहीं ले जाना चाह रहा था। फिर हमने खुद से ही कुछ रिसर्च किया और मिल गया एक, ये ओक शोर पिकनिक पॉइंट बोलते हैं लेक बेरिया सब है, बहुत बड़ी लेक है। मतलब यहाँ तो यहाँ जैसा वैष्णवी ने बोला, यहाँ पे लेक नहीं होती, यहाँ लेका होता है, लेका। अगर मैं आपको बताऊँ ना, या मुझे कोई ना बताए ना, तो मुझे लगे कोई नदी है, बह रही है नदी की, कोई वो है, क्या बोलते हैं नदी की छोटे पार्ट को, ओशन, नदी के छोटे पार्ट को, नदी के छोटे पार्ट को ओशन वैली बोलेंगे, कुछ भी, मतलब लेक नहीं है, नहर, नहर, अच्छा नहर टाइप, जैसे नदी का कट के जैसे आ जाता है वैसे है, इतना बड़ा, इतना विशाल है ये देखिए। और ये इसके इधर और जाता है, इस लैंड के इधर और जाता है, ये इस लैंड के उधर और जाता है, बीच में छोटा सा पेड़ है, और पीछे पूरी ये हम लोग नापा वैली के बीच में है। हल्की हल्की धूप और ठंड ठंडी हवा चल रही है, एकदम जैसे परफेक्ट जैसे चाहिए होता ना पिकनिक के लिए वैसा। अगर हवा ना चले तो धूप से जलने लगेंगे, अनकंफर्टेबल होगा, पसीना होगा। एक चीज़ मिस कर रहे हैं लोग, स्पीकर लाना भूल गए, अगर स्पीकर ले आते ना तो पूरा 100% पिकनिक हो जाता, गाना बजा के रख देते, अपना मस्त खाना खाते, चिल करते, आराम से जाते। ये देखिए मिस्टर कुमार डक को पराठा खिलाने जा रहे हैं, गजब, मतलब ये बहुत छोटी छोटी है, बहुत दूर है, खो जाएगा। भाग गई की वैष्णी का रिएक्शन टॉफी का, के वैष्णी कैसी है टॉफी, बहुत खट्टी है, सार कैंडी है ये। तो तुमने पढ़ा नहीं, इसका नाम ही लिखा है सार पंच बाइट्स, बहुत खट्टी है। ऐसे जो हाथ में लिए वो खा लो, नहीं हो पाएगा, ना हो पाएगा, लो खिला दो। मिट्टी भी खट्टी नहीं हो, आया खट्टी है। नाश्ता करने के बाद अब पानी में खेलता हुआ कोई, पानी कैसा है, ठंडा है, ठंडा है, ओहो बहुत ठंडा है, तो बहुत ठंडा है, थोड़ा अंदर आ जाओ फिर नहीं लगेगा। हाँ वो थोड़े देर बाद नहीं पता चलता ना, पैर सुन्न हो जाते हैं, पैर सुन्न हो जाते हैं, इसलिए पता नहीं चलता है। और ये देखो ये पाथ कितना अंदर तक बनाया है, हाँ खेलने चलने के लिए ये आई, सही चीज बना है, साफ भी लग रहा है बाहर, साइड में तो मिट्टी मिट्टी लग रही है, देखो पानी में। अरे यार पैर सुन पड़ गया है, फील नहीं हो रहा है, सुन लगा इंजेक्शन लगाने की जरूरत है, तो ठंडे पानी में डाल दो। अरे बाप रे बाप, अरे रे फील होना बंद हो गया है। ही इज लॉस्ट, बाय बाय, ही फाउंड समथिंग एल्स। और मैंगो भी हैं, ये कौन से मैंगो हैं, अटॉल्फो मैंगो, ये लगभग $2.50 का एक आम है, लेट मी स्मेल, बिल्कुल महक नहीं है। चॉकलेट्स अगेन, चॉकलेट लवर्स के लिए बेस्ट प्लेस है, टार्ट चेरी, इतनी सारी चॉकलेट है। ये फिर से चॉकलेट, चॉकलेट और बेकरी के अलावा इन्हें कुछ और भी पसंद है, चॉकलेट बेकरी एंड वाइन, कुछ अगर सोवेनियर लेना हो तो यहाँ से ले सकते हैं।
They have some again all cheese. पता नहीं इन लोगों को कितना चीज चाहिए. This is like variety of cheese. Hello everyone. So here I am ending this trip video of Napa Valley. And बहुत ही अच्छी ट्रिप थी. लाइक नापा तो सबके ही ट्रिप लिस्ट में होता है. मतलब जो भी कैलिफोर्निया घूम रहा है वो नापा तो जाता ही जाता है. और हॉट एयर बलून सब लोग नहीं करते हैं, बट हाँ मिस्टर कुमार की चॉइस थी, सो वी डिड इट एंड इट वॉज जस्ट अ वंडरफुल एक्सपीरियंस. सो जिस किसी को भी मौका मिले ना, हॉट एयर बलून ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि यही टाइम है तो जब मौका लगे चौका मार लेना चाहिए और ऐसे एक्सपीरियंसेस का बिल्कुल फ़ायदा उठाना चाहिए अगर आपके पास अवेलेबल है तो. तो वो एक बहुत वंडरफुल चीज़ थी. हम लोग ऑक्सबो मार्केट गए. सो बेसिकली यू कैन कॉल इट डाउनटाउन ऑफ नापा. डाउनटाउन इज़ नथिंग बट जस्ट अ मेन मार्केट एरिया. यहाँ पे सब यूएस में उसको डाउनटाउन बोलते हैं, किसी भी एरिया का डाउनटाउन. तो यू कैन कॉल इट नापा का डाउनटाउन. काफ़ी क्राउडेड था वेंसडे होने के बावजूद, इतना क्राउडेड था पता नहीं वीकेंड पे क्या ही होता होगा. बट मुझे बिल्कुल फ्रूटफुल लगा. लाइक कुछ बनाओ, कुछ खाओ बाहर, तो खाते पीते तो रोज़ ही रहते हैं. तो मुझे लगता है आप अपने इवेंट्स, कुछ भी आपको सेलिब्रेट करना, यू शुड गिव इट इन टू एक्सपीरियंसेस. सो यू शुड टेक मोर ऑफ एक्सपीरियंस रैदर देन पार्टिंग, लाइक व्हाट आई फील लाइक पर्सनली. सो देखते हैं, टाइम के साथ साथ नए एक्सपीरियंसेस आते हैं, नए लेसन्स मिलते हैं. तो बहुत हो गया आज के लिए इतना ज्ञान, बाकी का ज्ञान बाद में देते हैं. और कल से हमारे डेली के ब्लॉग्स आने शुरू हो जाएंगे. सो स्टे ट्यून एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल विच इज़ यूपी वाले ब्लॉग्स. एंड बाय बाय.